I'm going to show you book first. What is the statement? In the given figure 5.10, are the following angles adjacent? ये angles adjacent है या नहीं आपको check करना है. पहले जो दो angles पूछे हैं वो है AOB and BOC. Let us check from the board. AOB, that means इस angle की बात हो रही है. And next is BOC, that means this angle. इस AOB में और BOC में तीन चीजें आप check करोगे, जैसे मैंने आपको बोला था. Adjacent के लिए three things you will be checking. फर्स्ट थिंग क्या है कि उनका ओरिजिन पॉइंट सेम होना चाहिए. इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, मींस वर्टेक्स. फॉर सेकेंड एंगल वर्टेक्स इज हियर. ओके, दूसरा क्या करना है आपने चेक, जो कॉमन रे है वो सेंटर में होनी चाहिए और जो नॉन कॉमन रेज है वो साइड पे होनी चाहिए, कॉमन के आसपास. तो इन दोनों में कॉमन रे कौन सी है, देखो AOB ये यहाँ खत्म हो रहा है, BOC ये यहाँ खत्म हो रहा है. तो ये जो OB रे है ये दोनों एंगल्स में आ रही है, कॉमन रे ये है. So this is common ray. और non common ray कौन सी है इसके एंगल की, जो दोनों के सेंटर में नहीं आई वो है ये non common ray. And this is also non common ray. तो common ray आई सेंटर में और बाकी दोनों साइड पे. So आप क्या लिखोगे, दोनों एंगल्स क्या है, adjacent. There are four और reason पूछा है अगर, तो आपने reason भी लिखना है. यहाँ reason नहीं पूछा है, justify your answer. अगर justify लिखा है that means आपको reason देनी है. Okay, so आप लिखोगे question number two. Yes, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है. हमने पूछा आर दीज एडजेसेंट, आप लिखोगे यस. बाय पहला रीजन, ओ इज कॉमन वर्टेक्स, दोनों का कॉमन वर्टेक्स आ गया. सेकेंड थिंग क्या है, नॉन कॉमन रे आर ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों तरफ है नॉन कॉमन रे, साइड ऑफ कॉमन रे के आसपास है नॉन कॉमन रेज. और थर्ड क्या था, कि जो कॉमन रे है दैट इज इन सेंटर ऑफ नॉन कॉमन रेज. समझ माइक इज अगेन ऑन. सो पहला है कि सेंटर दोनों का आपको सेम मिल गया, और एक है कि ये जो कॉमन रे है वो नॉन कॉमन के आसपास है, और नॉन कॉमन रेज कभी भी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए. ऐसे ना हो कि नॉन कॉमन एक तरफ हो जाए और जो कॉमन है वो साइड पे निकल जाए. ओके, समवन इज चैटिंग. आई अमन मैम, कैन यू प्लीज डू दिस, कैन यू स्विच ऑफ द चैटिंग. नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. Now I'll try these of 99. But before that, I will explain you linear pair. यहाँ लिखा है linear pair. इसके बारे में मैम बताएंगे आपको. अब linear pair क्या होता है, इसकी भी properties हैं. जैसे मैंने कल आपको adjacent angles की properties बताई थी, same way linear pair की भी properties हैं. तो पहले आप name लिख लीजिए जो next करने वाले हो आप. linear line से बना है, line earth. तो लीनियर पेयर क्या होता है कि ऐसे एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होता है. ये भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो एक लाइन स्ट्रेट के ऊपर चलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वर्क करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ. मींस आपका जो वन एंगल है और जो टू एंगल है, इसमें कॉमन रे सेंटर में रहेगी, और जो नॉन कॉमन रेज है, ये नॉन कॉमन रेज है ना, ये दोनों में नहीं आ रही, एक इसमें आ रही है एक इसमें आ रही है. दिस इज कॉमन रे. कॉमन रे विल रिमेन इन सेंटर, वर्टेक्स विल बी एट द सेंटर, वर्टेक्स भी सेंटर में आ गया, और जो नॉन कॉमन रेज है वो एक लाइन फ्रेम करेगी. इसीलिए इसका नेम है लीनियर पेयर. इज इट क्लियर? यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं था. ये देखो, ये जो पेयर है एडजेसेंट का, इसमें जो नॉन कॉमन रेज है वो इस तरह चली इधर और फिर इधर मुड़ गई. बट इसमें लीनियर पेयर में जो नॉन कॉमन रेज है, दिस इज वेरी मच इसेंशियल कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाए, मीन्स वो 180 का एंगल बनाएंगे. ठीक है, अब इसका पॉइंट लिख लो कि लीनियर पेयर को कैसे जज करते हैं. इट इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हूज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज. ये जो नॉन कॉमन साइड्स हैं ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है. अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट ना हो, एक टेढ़ी चली जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो लीनियर पेयर नहीं बना पाएगी. तो इनको क्या होना पड़ेगा, इनको एक लाइन में होने के लिए एक नॉन कॉमन रे की डायरेक्शन इधर होगी
तो दूसरी नॉन कॉमन रे की डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी, इज इट क्लियर? तो अभी वो एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम करेंगे. सो व्हाट यू कैन राइट फॉर दिस, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. दिस इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. Whose non-common rays sides are opposite rays. जिसकी non-common जो rays हैं वो एक दूसरे के opposite हैं. Okay, I think up to this is clear to you. अभी आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कल होमवर्क के लिए आपको दे रही हूँ, तो वो है ये क्वेश्चन. दिस इज ऑन पेज नंबर 99. यहाँ चेक करना है कौन सी यहाँ पे लीनियर पेयर फ्रेम कर रही हैं, ए बी सी डी. नाउ यू विल नॉट डू. ओके, लेट अस सी आप फाइंड कर पाते हो कि नहीं. लीनियर पेयर के लिए मैंने आपको बता दिया क्या होना चाहिए, कि कॉमन रेज सेंटर में हो और जो दोनों नॉन कॉमन रेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और वो एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम करें. ओके, टिल्टेड साइड, टिल्टेड नहीं होनी चाहिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, टिल्ट नहीं होना चाहिए इसमें. टिल्ट समझते हो ना, मींस अगर वो एक इधर जा रही है रेस तो दूसरी ना ऐसे मुड़े नहीं, सीधी चली जाए. नेक्स्ट, अभी आप नेक्स्ट एंगल्स करने वाले हो ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? इनका स्पेशल नेम है, इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? जितने एंगल आप पढ़ रहे हो इनसे रिलेटेड बेटे क्वेश्चंस आने ही आने हैं एग्जाम में. आपने कौन कौन से किए, आपने एडजेसेंट किए, आपने लीनियर पेयर किया, अब आप वर्टिकल ऑपोजिट करने वाले हो. और सबसे पहले जो दो न्यू एंगल्स किए थे वो कौन से दो एंगल्स थे, एनीबडी हु कैन टेल मी? सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वेरी गुड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब ये कैसे एंगल्स होंगे, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप जज करोगे, नहीं तो आपको हर एंगल देखने में लगेगा ये तो एडजेसेंट ही तो है, लीनियर पेयर ही तो है. तो जहां पे मैं डिफ्रेंशिएशन बता रही हूँ उसको ध्यान में रखना है. लीनियर पेयर और एडजेसेंट में डिफरेंस ये है, नॉन कॉमन रेज एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम करेंगी. अब वर्टिकल ऑपोजिट में क्या होगा, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड दीज एंगल्स आर इक्वल आल्सो, ठीक है? अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट कर दें, सपोज दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन, तो जब दो लाइंस कट हो जाएं तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होती है, जहां पे दोनों कट करें, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके ऑपोजिट जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे और वो उनका नेम है वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकल मतलब कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं. लाइक अगर ये एंगल आप लिख रहे हो, सपोज दिस इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, तो इसके ऑपोजिट एंगल वो ये नहीं होगा, दिस इज एडजेसेंट एंगल, ये तो साथ लग गया, ये भी एडजेसेंट मींस साथ लग गया, ऑपोजिट होगा जो बिल्कुल सामने है और वो है ये एंगल. तो अगर ये एंगल 100 है दिस विल ऑल्सो बी 100, अगर ये एंगल है 60 तो इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा 60. दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. कहां बनते हैं, जहां टू लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं इस तरह से, ठीक है? वो इतना सा कट भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी लाइक दिस, तो ये भी वर्टिकल ऑपोजिट बनाएंगे, ठीक है? ये कट इस तरह से भी हो सकता है, तो ये भी वर्टिकल बनाएंगे, ये इसके सामने वाले दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे. तो इसके लिए डेफिनेशन लिख लो पहले, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्ट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, vertical opposite angles so formed are equal.
जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल. ठीक है, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट हुई. सो अगर यहाँ पे फोर एंगल्स बने हैं, नेम दिस वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर. तो अब फोर और टू इक्वल होंगे, वन और थ्री इक्वल होंगे. वन विल बी इक्वल टू थ्री, टू विल बी इक्वल टू फोर. हमेशा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में, साथ साथ वाले कभी भी नहीं होंगे इक्वल. वन और टू इक्वल नहीं हो सकते, टू और थ्री नहीं होंगे, वन और फोर इक्वल नहीं होंगे. कोई स्पेशल केस होगा जब ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वो मैं बता दूंगी जब आएगा. तो बट अगर ये हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जैसी मर्जी हो, चाहे वो इतने से गैप के साथ हो, मीन्स उनका गैप बहुत कम है बट उनकी इंटरसेक्शन तो हो रही है ना, तो उसके ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे. ऑपोजिट ये इक्वल और ये इक्वल. ठीक है, नोट इट डाउन. नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर, और जो क्वेश्चंस है वो मैम करवाएंगे. जो बहुत छोटा सा वर्क है जिसमें आपको जस्ट चेक करना है आपकी जजमेंट है, वो आप करोगे, सो दैट आई विल कम टू नो आपको समझ आया है कंसेप्ट या नहीं. तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. इफ आई थिंक कि सबने लिख लिया है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ टू डायग्राम्स, आपको एक डायग्राम भी सफिशियंट है. बट अगर डायग्राम सामने पड़ी होगी और ये लिखा होगा, तो जैसे ही आप अपनी नोटबुक देखोगे, यू विल रिकॉल एवरीथिंग कि इसमें क्या था. वन एंड थ्री इक्वल, टू एंड फोर इक्वल, तो ये वर्टिकल है. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 12. आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम बुक फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 12. Find the values of x, y, z in the given figures. In figures के अंदर आपको x, y और z find करने हैं. ठीक है? So you please, I think, okay, but I have to tell you something else also. So ma'am ही करवाएंगे. पहले मैं आपको देने लगी थी, wait, ma'am will explain this. Question number 12. Now we will do related questions of linear pair and vertical opposite angles. Okay? यहाँ पे जो लाइंस है वो कुछ इस तरह से फ्रेंड है, ओके? और यहाँ लिखा है y, दिस इज x, दिस इज z, एंड हियर इट इज रिटन 55 degrees. दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिस नहीं हुए अभी तक, एक तो वर्टिकल के एंगल्स के और एक लीनियर पेयर के. ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, सपोज आपको एग्जाम में ये टू एंगल लिखा हुआ आ गया, 60 है, फाइंड एंगल 4, दैट विल आल्सो बी 60, और आपको रीजन भी साथ में लिखना है, बिकॉज एंगल 2 एंड एंगल 4 फॉर्म वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. ऐसे ही अगर 1 लिखा है 30 और 3 मिसिंग है, तो आप इसको कंप्लीट कर दोगे, लिखोगे 1 एंड 3 आर वर्टिकल ऑपोजिट, सो 3 इज आल्सो इक्वल टू 30 degrees. सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है लीनियर पेयर का. उसमें जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, लाइक आपको मैंने बोला कि जो लीनियर पेयर के एंगल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम करेंगे. ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो 180 का एंगल उसके सेंटर पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो बनेगा. ठीक है, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसमें 90 degree का एंगल फ्रेम होता है. अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है तो उसके सेंटर में आप कोई डॉट लगाओ एंड यू कैन चेक कि जो सेंटर पॉइंट पे एंगल है वो हमेशा 180 होगा. ठीक है, सेंटर पॉइंट पे हो यहाँ हो, मीन्स 180 की का एंगल ही फ्रेम होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर. जब आपने लीनियर पेयर की बात की, मैंने आपको बोला जो नॉन कॉमन रेज हैं, दीज आर नॉन कॉमन रेज, ये एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम करेंगी. दैट मीन्स इनका जो यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एंगल्स मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट के ऊपर
ये फुल एंगल क्या होगा 180 क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। स्ट्रेट लाइन के एंगल आप किस किस तरह से क्वेश्चंस में आ सकते हैं बेटे, जरूरी नहीं है कि लाइन आपको इस तरह से दिखाई दे। अगर आपको लाइन इस तरह दिखाई दे रही है और बीच में ये एक रे दिखाई दे रही है और यहाँ लिखा हुआ है 70, आपको पूछ सकते हैं ये एंगल फ्रेम फाइंड करो, तो आपने चेक करना ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरफ का एक एंगल गिवन है, दूसरा मेरे को फाइंड करना। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के इस तरह आ गई, यहाँ पे रे है और एक एंगल गिवन है, अदर फाइंड करो। तो ये नीचे भी आ सकते हैं फाइंड करने के लिए। आपने क्या चेक करना है, बस वो दोनों एंगल्स जो एडजेसेंट हैं वो स्ट्रेट लाइन के साथ बने हो, चाहे वो उसके ऊपर बने हैं, नीचे बने हैं, राइट में बने हैं या लेफ्ट में बने हैं। ठीक है, तो जितने भी एंगल्स आप चेक करोगे एडजेसेंट में, चाहे वो बेटे इस तरह से भी फ्रेम होके आ सकता है, दिस एंगल इज गिवन, फाइंड द अदर। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स हैं तो ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे। अब इसको फाइंड कैसे करना है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होता है 180 का, अगर इसमें से सपोज वन एंगल इज गिवन 450 तो अदर एंगल विल बी कितना होगा ये एंगल, सो दैट ये कंप्लीट होके 180 हो जाए, सो दिस एंगल विल बी 130। सेम वे अगर ये 70 गिवन है देन दिस एंगल विल बी 110, दोनों को कंबाइन करके 180 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये एंगल आपको दिया है 180 तो दिस एंगल विल बी 100, अगर सपोज यहाँ पे एंगल जो है वो 60 दिया है देन अदर एंगल विल बी 120। तो अगर आपको अदर एंगल फाइंड करना है तो यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 एंड यू विल कम टू नो हाउ मच इज द मेजर ऑफ अदर मिसिंग एंगल। Now, this question is combination of both the angles. ये मैंने क्यों explain किया दोनों angles पहले इतने अच्छे से, इसलिए क्योंकि इस question में दोनों angles का combination है। इसमें linear pair भी use होगा, vertical opposite भी use होगा। देखो कितना easy है आपके लिए check करना, 55 and this is the opposite angle, so it is also 55. But आपको ना तो यहाँ y given है ना ये z given है, so how will you able to find these both angles? अब आपको दूसरे एंगल का यूज करना है, दैट इज लीनियर पेयर। यू कैन सी अगर मैं इस लाइन को डार्क कर रही हूँ, इस लाइन को जिसको मैंने डार्क किया है बेटे, दिस लाइन इफ आई डार्कन तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल्स ऊपर की तरफ बने हुए हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर है मीन्स ये एक तरफ बने हैं, तो इसमें से एक एंगल है 55, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ अदर एंगल, सो दैट ये पूरा 180 बन जाए। Okay, so anybody who can tell me, please raise your hand and ma'am will unmute only one child. Let us see who raises the hand first. Okay, so many hands are raised and many, so many students are there in the class also. Thank you, Aman ma'am. Yes, Priti. Any child who can answer me, what will be measure of y degree? Yes, Priti, yes. 125. क्या इनको add करके 180 बन रहा है, आपने check कर लिया? Yes. Very good. Name बोलिए अपना. Tell me your name. Pani, well done, Priti. Now, y angle you have got it. You please unmute yourself. Y angle मिल गया, अब इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें ऑपोजिट एंगल से लिख लो 125 या फिर आप यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगा लो 55 और साथ में लगा हुआ एक एंगल, दोनों मिला के 180 होना चाहिए तो वो 125 आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे, सो मार्क्स स्टार देयर। अपने 12th क्वेश्चन के ऊपर डबल स्टार लगा लो, बिकॉज ये क्वेश्चन ही है जो इस एक्सरसाइज में आपको 3 या 4 मार्क में आ सकता है, बाकी तो ब्लैंक्स वगैरह है, 1 या 2 में आएंगे। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच क्वेश्चंस विद डिफरेंट डायग्राम्स, वहां डायग्राम इस तरह से होंगे, थोड़े से कंफ्यूजन वाले होंगे, जहां आपको खुद चेक करना पड़ेगा ये लीनियर पेयर बन रहा है या ये वर्टिकल ऑपोजिट है या एडजेसेंट है, खुद आप उसमें से एडजस्ट करके और उसके एंगल्स फाइंड करोगे। सो लेट अस राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now what you will write here, angle y you are given, this is, you are given name, first of all इसको easy reading के लिए आप यहाँ पे जो names दिए हुए हैं ना, चलो इस question में नहीं दिए, mostly यहाँ A, O, B, C दिए होते हैं
और अगर आप उसको गलत कर देते हो बाय चांस, ए ओ बी नहीं पता चलता, बी ओ सी, तो आप उसको इजी रीडिंग के लिए एंगल 1, 2, 3 और 4 लिख लो। इसमें लिखने के में भी शॉर्टकट होगा, इधर भी इजीली क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। कई बार बच्चे ए ओ बी लिखना होता है, ए ओ सी लिख जाते हैं और गलती हो जाती है। अब 1 तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 ये है, 2 ये है, तो लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगी। काइंडली म्यूट योर सेल्फ। नाउ यू आर गिवेन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री। यू कैन सी एंगल 3 इज ऑपोजिट ऑफ एंगल 1। वी नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। व्हाई? रीजन यू विल राइट हियर, क्योंकि ये ऑपोजिट है, सो यू विल राइट रीजन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल व्हेन यू हैव रिटन इट। सो नाउ यू कैन राइट एंगल 3 एज 55 आल्सो। पहले रीजन दोगे, फिर आप उसको 3 को भी 55 लिख दोगे। दोस नाउ आपने ये फाइंड कर लिया एंगल 3। नाउ इज द वर्क फॉर 2 एंड 4। अब 2 कैसे आया था? मैंने 3 के साथ इसका लीनियर पेयर बना लिया। दिस इज स्टेप 1 ऑफ द क्वेश्चन। स्टेप 1 में आपने एक एंगल फाइंड कर लिया। नाउ स्टेप 2, इसमें हम सेकंड एंगल फाइंड करेंगे। वी कैन सी 2 एंड 3 आर फ्रेमिंग लीनियर पेयर। वी नो और वी कैन सी, यू कैन राइट एंगल 2 एंड एंगल 3 आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल 2 प्लस 3 विल बी 180। 2 का मेजर डाल दो इसमें, 3 का, 3 इज 55, एंगल 2 प्लस 55 इज 180। नाउ इसकी शिफ्टिंग करवा दो, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 55, इट इज इक्वल टू 125। नाउ यू हैव गॉट एंगल 2, 2 भी मिल गया। अब 4 कैसे जज करोगे? 2 एंड 4 आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सो लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टेप 3। नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो व्हाट विल बी मेजर ऑफ एंगल 4 नाउ? It will also be of 125 degrees. So आपके चारों एंगल आ गए, ठीक है? I hope the question is clear to you. Be quick and note it down. Hurry up, hurry up. Now I will be doing second part of this question. Be quick. You should draw the diagram. Sometime आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, क्वेश्चन पेपर के ऊपर 1, 2, 3, 4 लिख देते हो और सारा क्वेश्चन कर लेते हो और आपको 0 मार्क्स मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने क्वेश्चन पेपर में एंगल लिखा 1, 2, 3, 4। मैम को तो पता ही नहीं है 1 कहाँ लिखा था। मैम को क्या पता 1 इधर है, इधर है, इधर है या इधर है। सो मैम डजंट नो कहाँ आपका 1 था, कहाँ 2 था, कहाँ 3 था। सो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग कंसिडर होगा, यू विल गेट 0 मार्क। सो वेन एवर यू आर डूइंग ज्योमेट्री क्वेश्चन, आपने वहां पे डायग्राम बना के वहां प्रॉपरली मेंशन करना है 1, 2, 3, 4, या फिर आप इसको नेम भी दे सकते हो, ए ओ बी, बी ओ सी, और फिर उसको ए ओ बी लिख लो एंगल को, बी ओ सी लिख लो, आपकी विश है। उनको लिखोगे तो थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि ए ओ बी, ए ओ सी लिखते लिखते आप गलती कर देते हो। सो इट इज बेटर इफ यू राइट विद नंबर्स, एंगल 1, 2, 3, 4, इजी रीडिंग एंड देयर विल बी नो मिस्टेक। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, एनीबडी हु विल गिव मी आंसर, नाउ द कंसेप्ट इज अ लिटिल क्लियर टू यू। If anybody can answer me for any of the part, don't look for the answers because I have to ask you why you have got the answer as the number जो भी आप बोलोगे। So आपने मुझे reason भी बताने हैं, don't check backside answer. If you know, you please raise your hand. Ma'am will unmute only one child who will be raising hand. For one angle, only one child will answer. If you have got for any angle, kindly raise your hand.
अभी देखो इट इज इजी फॉर यू, ये आपका 1 2 3 4 5 अगर मैं इसको लिख लेती हूँ तो आप जल्दी से क्वेश्चन को कर लूंगी. 1 2 3 4 5 एनीबडी हु कैन टेल मी फॉर एनी ऑफ द एंगल्स कि मैम ये एंगल इतना. Yes, Betty. Raise your hands. Our ma'am, if someone raises hands, please unmute only one child and speak the name for that child also. आप उसका name भी बोल देना. Yes, बेटा बोलिए. संदीप. हाँ जी. This is roll number 10, Tanveer, or 2 roll number? 2, okay, haan ji, bolo, beta. Kiska? Second ka 140, reason bhi batana hai, bete. 140 hai toh kaise hai? Jisko reason nahi pata, don't raise the hand. Reason pata hai, wahi apne hands raise kare. Anybody can answer, but with reason. Yes. Be quick. This is Sahajveer. Yes, bete. Answer is? Bete, tell me the reason. Reason chahiye mujhe. Well done, beta. Well done. Very good. See, you, I told you to be very attentive in the class. Very good, bete. Sahaj, you can unmute yourself. You can unmute yourself now. Sahaj ne bahut hi acha judge kiya. 1, 2, or 3 yahan pe. Sorry. Linear pair bana rahe hai. Ek hi line ke upar tino angle hai. Zaruri nahi hai ki ek line ke upar agar do angle hai to unka sum hi 180 hoga. Agar yahan pe 4 angle bane hue hain to in charon ko mila ke 180 hoga. मीन्स एक लाइन के ऊपर जितने भी आप एंगल्स की ब्रेकिंग कर लो उसको दो पार्ट में तीन में चार में पांच में डिवाइड कर लो उन सबको मिला के पूरा 180 होना चाहिए. अब ये जो यहाँ लाइन बनी हुई है ये वाली ये जिसको मैं डार्क कर रही हूँ ठीक है ये जो रे लाइन बनी हुई है मैं इसको नेम दे देती हूँ ए बी सो दैट इट इज क्लियर व्हेन आई स्पीक. जो ए बी लाइन है इसके ऊपर की तरफ जितने भी एंगल है इन तीनों को मिला के 180 होना चाहिए क्योंकि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं. तो इधर एक एंगल गिवन था 40 एक एंगल गिवन था 25 एक मिसिंग था तीनों को मिला के 180 होना चाहिए. तीनों एंगल्स को मिला के क्योंकि एक लाइन के ऊपर फ्रेम हो रहे हैं तो 180 होना चाहिए. दो पता है थर्ड कैसे आएगा जब आप इन दोनों को 180 से माइनस कर दोगे यू विल गेट फॉर एक्स. Now what you will write angle 2 plus angle 3 2 and 1 sorry we know that likh lo bete we know that koi bhi question karne ke se pehle hi aap start break mein likhoge angle 1 plus 2 plus 3 equal to 180 why because reason likhiye linear pair banane hai theek hai. Ab isme se aapko 1 ki value pata thi you know 2 ki value yahan pe x hai aur 3 ki value 25 hai. आप इन दोनों को शिफ्ट करवा दीजिए 25 और 40 को ये टोटल होता है 65. जब आप इसके शिफ्टिंग करवा दोगे उधर 180 माइनस 65 इट विल बी 115 डिग्रीज. रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन मार्क आपके रीजन लिखने का ही होगा सिर्फ 1 2 3 मैम को नहीं चाहिए मैम आल्सो नीड रीजन. ये आपने स्टेप वन कर लिया आपको एक एंगल मिल गया. आप सेकंड स्टेप के लिए अगला एंगल फाइंड करते हैं. एनीबडी हु कैन टेल मी फॉर अदर एंगल्स किसी को वाई या जेड पता चल सकता है यहाँ पे वाई एंड जेड. एनीबडी हु कैन टेल मी जेड कितना होगा रेज योर हैंड मैम विल अनम्यूट यू. वेल डन ये अंशिका ने बोला है या शिप्रा ने. मान्या वेल डन मान्या. Okay, wait, mute yourselves now.
step 2, angle 1 is equal to angle 4. Why? Because these are framing linear pair. क्योंकि linear pair बना रहे हैं, so angle 4 का measure भी होगा 40 degrees. Now you have done your second step. Now last step is for angle 5. इसको करने के बेटे हर angle को find करने के 2-3 ways होते हैं. बट जिसमें कम गलती हो और जिसमें आप श्योर हो 100% उसी को वे को किया करो. अभी इस लाइन के नीचे की तरफ दो एंगल्स बने हुए हैं जो एक कंप्लीट लाइन को ज्वाइन करो तो एक कंप्लीट लाइन फ्रेम कर देंगे. तो अगर ये दो एंगल्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बन जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन की नीचे की तरफ बने हैं तो यहाँ पे 4 और 5 का मेजर होगा 180 degrees. स्टेप 3, एंगल 4 + 5 is equal to 180. Why? Linear pair reason है इसका. Okay? अब 4 और 5 में से आपको 4 की value given है 40. 5 you don't know, इसको ऐसे ही लिख दो. अब जब 40 की shifting करवा दोगे, you will get this as 140 degrees. I hope concept is clear. आपने answer दिया, I'm very happy. जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको ये क्लियर हो जाएगा. कोई ये मत सोचे कि बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता. प्रेजेंट में ही आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा बेटे, साथ के साथ एक एक चीज जो मैं बोल रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नहीं तो लीनियर पेयर, वर्टिकल, ऑपोजिट, एडजेसेंट सब एक जैसे ही लगेंगे अगर आप डिफरेंसेस नहीं सुनोगे क्या क्या मैम बोल रही. आई होप इट इज डन बाय ऑल. स्टिल वी हैव 2 मिनट्स. सम क्वेश्चंस आई विल सेंड यू. वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद करोगे और एक दो क्वेश्चंस मैम और करवा देते हैं. बी क्विक, आई हैव टू रब द बोर्ड एंड राइट नेक्स्ट आंसर्स. बी क्विक. Fourteenth question is your last question for today. I'm going to just explain it. अगर ये incomplete भी रहता है you will try on book और मैं आपको कल आपको जो answers है book copy पे लिखवा दूंगी.